इसमें कॉल आ गया है, इसके लिए मेरे को वीडियो बंद हो गई। अभी मैं एक बार फिर से चालू करता हूँ। अपना 5-6-7 है ये, अपना बोल रहा है। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो प्रोसेस इसलिए हो रहा है PF5। और इसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन की बात करें, सॉल्यूशन कुछ नहीं है। इसके पीछे जो ये कार्बन लगा हुआ ये कार्बन है, ये प्रिंट है, इसकी प्रिंट निकल गई है और यहाँ पे कार्बन लग चुके हैं। कुछ करना नहीं, इसको अपने को जिससे आप पीसीबी क्लीन करते हैं, पीसीबी क्लीनर आपके पास जो भी पेट्रोल है, नेल पॉलिश क्लीन होगा, उसे साफ कर सकते हैं, अच्छे से साफ कर लें। तो आपको पीसीबी रिपेयर करने का एक्सपीरियंस है पहले से, तो आप ये वायर ब्रश को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें ये वायर ब्रश हर जगह काम नहीं आने वाला है। यहाँ पे SMP कॉम्पोनेंट नहीं है, अभी कोई कॉम्पोनेंट नहीं, जैसे ये यहाँ पे एक भी कॉम्पोनेंट नहीं है, ना पिन वाले ना SMP, यहाँ पे सिर्फ शोल्डर है। तो आप यहाँ पे आराम से वायर ब्रश को यूज़ कर सकते हैं, वायर ब्रश यूज़ करिए, साफ हो जाता है। अपने को इन शॉर्ट में बोलो, अपने को ये कार्बन निकालना है। अब चाहिए वायर ब्रश से निकालो या फिर ये नॉर्मल ब्रश से, कार्बन निकलना चाहिए। कार्बन के सोर्सर की करते हैं, एक रजिस्टर की वैल्यू बन जाती है। कार्बन क्या, एक रजिस्टर है, ये रजिस्टर क्या होता है, कार्बन होता है। कैसा काला काला हो गया यहाँ पे, ये आपको नजर आ रहा है कैमरे में, जो है ना ब्लैक ब्लैक, ये बटन को अंदर ही अंदर स्वाइप करते हैं, ये वन टैप शॉर्ट सर्किट हो रहा है। इसको मैं अच्छे से वायर ब्रश से साफ कर लूँ। ये वायर ब्रश से नहीं निकला, इसलिए मैं चिपिया का यूज़ कर रहा हूँ, चिमकी ट्वीज़र से, जो आपकी भाषा में जो बोलते हैं। सोल्डर होना चाहिए आपके पास, कोई भी चलेगा, कोई स्पेशल नहीं है, आपको कोई स्पेशल सोल्डर चाहिए। मैं एक ऐसा पेस्ट ले रहा हूँ जहाँ जहाँ मेरे को लगता है कि नया सोल्डर करना है। नया सोल्डर कर रहा हूँ उसी के ऊपर,
यहाँ पे शोल्डर, ये नीचे जो बटन है उसकी पिन है, यहाँ पर पिन है। सोल्डर करने के बाद आपको इसमें जो पेस्ट है इसको अच्छे से क्लीन करना है। तो आप अच्छा क्वालिटी का पेस्ट यूज कर रहे हैं, आपको क्लीन करने की जरूरत नहीं है। अच्छी कंपनी का यूज करिए सोल्डर हमेशा, और सोल्डर पेस्ट अच्छे से साफ करिए, तो आपको वापस नहीं आएंगे। ऐसा एक छोटा सा ब्रश आती है, इतना सा वो आप ले सकते हो। ये मेरे पास नहीं है, ये लाना है मेरे को भी। किसी भी रिपेयर करना इतना मुश्किल नहीं है, जैसे अपने नॉर्मल वॉशिंग मशीन रिपेयर कर सकते हैं वैसे पीसी भी रिपेयर कर सकते हैं। बस आपके अंदर पीसी भी रिपेयर करने की इच्छा होनी चाहिए, आप में कुछ कर सकता हूँ लाइफ में, तो आप आइए। आपको अपने अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि मैं ये पीसी भी रिपेयर कर सकता हूँ, तो आइए। तो नहीं आइए, किसी का नुकसान नहीं करिए किसी का। ये फिर से प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम है पीसीबी के अंदर, ये प्रोटो क्लीन करना पड़ेगा आपको। आपने प्रोटो क्लीन नहीं किया तो ये प्रॉब्लम होने वाली है, जैसे अभी मेरे से प्रोटो क्लीन नहीं हुई तो प्रॉब्लम वापस आ गई। यहाँ पे किसी ने पहले मोम को यूज किया मोम बत्ती, इसलिए भी इतना आसानी से साफ नहीं होने वाली, चिपचिपा हो गया।
वो काफ़ी लंबी हो गई, इसका नेक्स्ट पार्ट बनाता हूँ मैं। अभी मैंने पहले चेक किया नहीं है, मैं सी ऐसे वीडियो बना रहा था, अब मैं को ये वीडियो सॉरी मेरे को पीसी भी प्रॉपर चेक करनी पड़ेगी क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो इतना सा है, कहीं ना कोई कुछ ना कुछ हो, कोई ना कोई वायर इसका प्रिंट पीसी भी अलग कैसी है, ये भी तो पीसी भी बहुत बेकार आती है।